बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कमेंट्स.com में एक और नई वीडियो के साथ मैं कंवल आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मैं क्या लाई हूँ, आज मैं लाई हूँ आपके लिए ब्लीच क्रीम्स के लिए रिव्यू। जो मार्केट में हमारे पास ब्लीच क्रीम्स अवेलेबल हैं उनके हिसाब से हम कुछ बात करेंगे। मैंने ये सारी जो क्रीम्स ली हैं वो साशे में ली हुई हैं ताकि मैं इन सबको यूज़ करके देख सकूँ कि इनमें से बेस्ट क्रीम कौन सी है। तो मैंने तकरीबन यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्रीम्स ली हुई हैं और इसके अलावा भी मैं लेती, लेकिन जो शॉपकीपर था उसके पास और क्रीम्स थी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताना कि रिव्यू और उनमें से बेस्ट क्रीम कौन सी है। सबसे पहले जो है मैंने पूछा है अपनी फ्रेंड से, अपने आसपास के लोगों से कि वो कौन सी क्रीम्स यूज़ करते हैं, क्या करते हैं और कौन सी क्रीम ज़्यादा बेस्ट होती है। तो मुझे जिस क्रीम का बेस्ट इन बेस्ट रिव्यू मिला है वो मिला है एक वेला और दूसरी मिली है जोलियन। ये दोनों क्रीम्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इनका काम वही है सबका जो बताया गया है कि भाई स्किन को लाइटनिंग करने में काम आती है, और वेला और जो है जोलियन क्रीम जो है वो बेस्ट कहा है कि ये बहुत बेस्ट है। लेकिन मैंने जो रिव्यू किया है और उनके बारे में पढ़ा है तो यहाँ पे एक क्रीम आ रही है वाइट बैलेंस के नाम से। ये देखिए वाइट बैलेंस क्रीम के नाम से एक ब्लीच क्रीम है, इसके साथ ये लोग हमें जो है ना एक ये सीरम भी देते हैं। ओके, ये सीरम देते हैं, कहते हैं कि इसके 10 ड्रॉप्स जो है अगर हम मिलाएंगे ब्लीच में तो रंग बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छा होगा, हमारे बाल जो है अच्छे तरीके से। और ब्लीच इसके अंदर जो है मुझे इस तरह के दो साशे मिले हैं, लेकिन साशे में बिल्कुल भी जो है वो एसिलेटर पाउडर जो है वो बिल्कुल भी कम है, और जो ये क्रीम है ये बिल्कुल खुली हुई है। तो जब भी आप साशे लें, मैं इसकी वजह से साशे रेकमेंड करती हूँ क्योंकि एक दफ़ा यूज़ करना होता है, इतना सारा रख के क्या करना है। तो हमें अपने पार्लर में भी ज़्यादातर इस तरह के साशेज़ जो हैं वो यूज़ करती थी क्योंकि इससे पैसे भी निकल आते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 10 रुपये की साशे आ जाती है, उसमें से आपके हैंड फीट्स और फेस अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं अगर करने वाला हो तो। तो जनाब इसके साशे जो है वो खूब देख कर लीजिएगा, इसके अंदर बिल्कुल भी क्रीम नहीं है और पाउडर नहीं है, क्रीम का जो साशे वो काफ़ी खुला हुआ है। और सीरम मुझे नहीं लगता ये सीरम है, दिस इज़ अ ग्रीन वाटर जो इन लोगों ने इसमें डाल के बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रख दिया है। तो खैर ये ऑल टाइप स्किन है, फ्री वाइटनिंग सीरम है, आप 10 रुपये में से ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। उसके बाद आ जाती है गार्नियर, गार्नियर की जो क्रीम है वो भी अच्छी है। चलिए इसको भी ओपन करके देख लेते हैं, इसको मैंने यूज़ किया, ये देखें इसका पाउडर भी देखें, ये एक्चुअली मैंने मंगवाई थी और ये देखें किस तरह से यूज़ किया हुआ है। तो प्लीज़ इस तरीके से मेरे तरीके से मत लीजिएगा, आप अच्छे तरीके से देख के लीजिएगा। और इसमें जो है इन लोगों ने बताया हुआ है कि ये इंग्रेडिएंट हाइड्रोजन परऑक्साइड इसमें मौजूद है, अमोनिया बैक्टेरियट भी इसमें मौजूद है। इसके अलावा दूसरी क्रीम आ जाती है पीच, दिस इज़ द बेस्ट क्रीम फॉर हैंड्स और फीट्स के लिए, ये पीच क्रीम जो है आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत अच्छी है, मैंने अपने पार्लर में ये यूज़ की हुई है। अगर चेहरे के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप चेहरे के लिए अगर ब्लीच करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ वेला या जोलियन में से ही कोई कीजिएगा। उसके बाद मुझे मार्केट में ये नई ब्लीच क्रीम नज़र आई माधुरी दीक्षित के फेस के साथ, ये है एलोवेरा के साथ है और इसमें भी पाउडर सही है, सही है और ये एलोवेरा के साथ है। जल्दी जल्दी मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ कि कौन सी क्रीम है। तो ये क्रीम भी मेरे यूज़ नहीं की हुई और मैं देखूँगी इसका, आपको बना के रिजल्ट बना के दिखाऊँगी। इसमें एलोवेरा है, एलोवेरा है इस पर, और ये कह रहे हैं कि ये जो है इनका क्लेम है कि हर्ब्स की वजह से जिल्द पर सोजिश, जिल्द की खुरदरापन और बाल ज़्यादा नहीं होते। हर्ब इसमें सिर्फ एक ही मिलाया हुआ है और वो है एलोवेरा। पार्ले जो है हैंड्स के लिए बहुत अच्छी है, चेहरे पे मत अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा ये पीच हो गया, ये है सॉफ्ट टच कंपनी वालों की, पहले भी मैंने एक पीच आपके साथ सॉफ्ट टच फैमिली की शेयर की थी, पीच वो येलो कलर में थी। ये जो है फेस के लिए बहुत अच्छी है, ये मैंने खुद अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखी है, ये बहुत अच्छी क्रीम है, ये आप चेहरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पार्लर में भी इसका बहुत यूज़ किया है।
अच्छा जी, गार्निंग का भी होगा। ओलेविया जो है बहुत ओल्ड है, इसमें भी एलोवेरा है, तो देखिए मैंने इसका कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं आगे चल के वीडियोस में इसका यूज़ करूँगी और आपके सामने लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसका क्या रिजल्ट है। लास्ट पे आ जाती है हिमालया हर्बल ब्लीच क्रीम, ये भी हर्बल है और इसमें भी एलोवेरा है। एलोवेरा यहाँ पे एक मारवी में था और ये हिमालया में है, और उसके अलावा जो है एलोवेरा यहाँ पार्ले में, अच्छा पार्ले में जो है एवोकाडो भी है। ओके जी, ये है पीचेस है, ये पीच क्रीम में है, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स बता रहे हैं। तो जनाब ये था एक झटपट सा रिव्यू क्रीम्स का। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आगे चल के मैं इन सब का आपको क्रीम्स का एक एक का अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय।